lot of girls don't like to hoard a lot of makeup. So ऐसे products जो कि all in one होते हैं are best for you. Guys, आज के video में मैं आपके साथ share करने वाली हूँ some new makeup that I got from Amazon, जिसमें कि I also got a beautiful all in one palette, जिसमें कि बहुत सारे different type के eye shadows हैं, glitters, shimmers, mattes and also bronzer, contour, highlighter, blushes भी हैं. So we are going to test it out and see if it is worth it or not. तो चलिए बिना time waste किए जल्दी से video start करते हैं. But उससे पहले guys, if you have not subscribed then please do. It is absolutely free and it really motivates me to bring more videos for you. Or video agar aapko achhi lage then please give it a thumbs up. So let's get started. Guys, सबसे पहले आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द प्रोडक्ट जिसके लिए मैं मोस्ट एक्साइटेड हूँ. दैट इज दिस यू कैन बे मिरर अ पैलेट. दिस इज लाइक एन ऑल इन वन पैलेट. इसमें आई शैडोज भी हैं डिफरेंट टाइप के, ग्लिटर्स, शिमर्स, मैट्स, और इसमें कॉन्टोर भी है, इसमें ब्लश भी है, इसमें हाईलाइटर भी है. अभी आपको ये देखने में छोटा लग रहा है बट ये ओपन हो जाता है और ये बहुत बड़ा हो जाता है उसके बाद. सो दिस इज द आउटर पैकेजिंग गाइज. वेरी नाइस, वेरी क्वर्की पैकेजिंग. एंड यहाँ पे यू कैन बे भी लिखा हुआ है. सो दिस इज फ्रॉम यू कैन बे. यू कैन बे के मेरे पास पहले भी आई शैडो पैलेट है एंड आई रियली लाइक देयर क्वालिटी, पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग. सो गाइस, इसके ऊपर ये आउटर कवरिंग है एंड अंदर भी ऑल्सो यू गेट द सेम प्रिंट. मैग्नेटिक क्लोजर है एंड देन यू कैन इजिली ओपन इट लाइक दिस. एंड दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. इट्स बिगर देन माई फेस यू गाइज. इट्स रियली रियली बिग. यू गेट द वेराइटी ऑफ कलर्स दैट यू गेट. यू गेट कूल न्यूट्रल्स, यू गेट वार्म न्यूट्रल्स, यू गेट ब्राइट कलर्स, यू गेट नियॉन कलर्स, यू गेट ग्लिटर कलर्स, यू गेट शिमर कलर्स. मतलब यू नेम इट एंड देन यू हैव इट इन दिस पैलेट. सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक्ड इन इट. ऑल्सो मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई जब ये आया. मैं इसको देख रही थी एंड ये मेरे हाथ से गिर गया और उसका एक जो कलर है ना वो यहाँ पे टूट गया. मैंने बाकी सब कुछ क्लीन कर लिया एंड थैंकफुली बाकी कुछ नहीं टूटा बट ये एक टूट गया. सो द ओनली ड्रॉबैक जो मुझे इसमें लगा इसकी, इसमें मिरर नहीं है, मिरर की जगह भी नहीं है. इसमें मिरर कहाँ लगाते हैं तो ये पैलेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता. फिर ट्रैवल करने में, कैरी करने में भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता. इस पैलेट में आपको मिलते हैं 114 कलर्स. यस, 114 कलर्स. एंड उसके अलावा गाइज इसमें आपको ऑल्सो मिलता है यहाँ पे ये दो हाइलाइटर्स हैं, यहाँ पे ये दो बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूट्रल कलर के ब्लशेज हैं. एंड आई थिंक दिस विल ऑल्सो वर्क एज ए ब्लश बिकॉज ये इतना डार्क कॉन्टोर नहीं है. बट अगर आपको बहुत ही स्लाइट ऐसे ब्रॉन्ज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो. बट दिस इज लाइक अ प्रॉपर कूल टोन कॉन्टोर कलर. यहाँ पे आपको शिमर्स मिल जाते हैं, हर रो में आपको कुछ कुछ शिमर्स मिलते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको न्यूट्रल्स मिलते हैं, ऊपर भी आपको न्यूट्रल्स मिलते हैं, यहाँ सारे ब्राइट कलर्स मिलते हैं आपको. सबसे पहले मैं अपना फेस करने वाली हूँ इससे बिकॉज मैंने जस्ट बेस लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया तो मेरा फेस एकदम पेल लग रहा है इस टाइम पे. आई वांट टू टेक दिस एंड दिस ब्लश और इसको मैं अप्लाई करूंगी. ऐसे डन विद ब्लश एंड द ब्लश लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल. बाद में हाईलाइटर लगाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्यूटीफुल गोल्डन हाईलाइटर हियर. ओके, वाओ, दैट्स रियली नाइस. I'm gonna apply this rose goldish champagne color highlighter here. This highlighter is also done and it looks really really pretty, very nice, very pigmented, not chunky at all, not glittery at all. एकदम right amount of sheen है इसके अंदर and it looks very pretty on the face. So blushes को जब मैंने apply किया तो उनमें इतना fallout नहीं था but ये golden वाला highlighter में थोड़ा बहुत fallout था. So next I'm gonna apply this contour color. थोड़ा सा apply करूंगी मैं. मैं लाइट सा एक आई लुक करके आपको दिखा देती हूँ. अदरवाइज मैं अगर एक बहुत फुल फ्लेज करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. आई एम गोना स्टार्ट विद दिस वेरी न्यूट्रल ब्राउनिश कलर हियर और इसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूंगी. देन आई एम गोना टेक दिस पिंक कलर हियर और इसको मैं अपने आउटर वी में प्लेस करूंगी. नेक्स्ट आई एम गोना टेक दिस वेरी न्यूट्रल शिमर कलर. इसको मैं अपनी हाफ लिट पे अप्लाई करूंगी. वाओ, द पिगमेंटेशन इज रियली नाइस. ऑल्सो टेक दिस ग्लिटर कलर है और मैं थोड़ा सा इसको टैप करूंगी.
सो गाइज ओवरऑल आई रियली लाइक दिस पैलेट. इसके मैट कलर्स बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ही स्मूथ है, थोड़ा सा फॉल ऑफ है इन द पैन, बट अदर देन दैट आईज के ऊपर बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है फेस के ऊपर. इसका शिमर कलर्स बहुत ही ब्यूटिफुल, पिगमेंटेड, क्रीमी और शिमरी है. डिटर कलर भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ईजिली हैंड टू आई ट्रांसफर हुआ है. सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन द फेस प्रोडक्ट्स आर वेरी नाइस, वेरी न्यूट्रल, वेरी नेचुरल, राइट अमाउंट ऑफ पिगमेंटेशन. सो ओवरऑल if you want like an all in one palette then you should definitely get this. Slightly pricey, I got this for ₹1650 but it is absolutely worth it because it's an investment. aapne ye le liya, this will last you for years and years and years aur ye khatam nahi hone wala hai. this is definitely one palette I can highly recommend you to get. guys, the next thing that I got is a very interesting thing and I'm actually really excited about it. I got this Rene lip plumper. so ye Rene ka new product launch hai. Rene ki lipsticks try kari hai and I really like them. so this is Rene T's lip plumper. this is the outer packaging. I got this for I think ₹500. jitne bhi plumpers hai market mein they are for 1000 and more than 1000. so if this works this is going to be a really good bang on product. so main isko abhi apply kar leti hu and by the end of the video we'll see if it does anything to my lips. inside the bottle it looks very iridescent and the bottle and the packaging is also very nice. quantity bhi kafi achhi hai iski. so guys isko apply karke dekhte hain. main sirf isko apne अपर लिप पे अप्लाई करने वाली हूँ, नीचे नहीं अप्लाई करूंगी. so I'm gonna let this sit on my lips, see if it does anything. thing that I got is this blush by Color Bar. this is the Color Bar Cheekylicious blush. मैंने इस वाली Color Bar के blushes की range के बारे में बहुत सुना था, especially this shade. the shade that I got is 016 Sweet Scarlet. जो ना एक natural सा blush चाहिए था. so मैंने सुना था कि this is very nice, very natural on the face. so I got this one. this is how the packaging looks like. very nice, very sturdy packaging. and this is how the shade looks like. it's a very nice ब्राउनी पीची मॉवी काइंड ऑफ कलर. मैं आपको हैंड स्वॉच दिखा देती हूँ पहले. सो दिस इज हाउ द हैंड स्वॉच लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ब्लेंडेड. वेरी नाइस, वेरी नेचुरल कलर. मैंने ऑलरेडी ब्लश लगाया हुआ है बट मैं थोड़ा सा आपको चिन पे लगा के दिखा देती हूँ. ओह दिस इज सुप्रीमली पिगमेंटेड यू गाइस. यस दिस इज अ नाइस, वेरी नेचुरल, आई लाइक इट. थोड़ा सा और लगा लेते हैं फेस के ऊपर. सो आई गॉट दिस ब्लश फॉर 500 रुपीज एंड इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे काफी अच्छी लग रही है एंड आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू यूज दिस. सो काफी टाइम से ना आई वॉन्टेड अ नाइस ब्यूटी ब्लेंडर बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज पता नहीं सम हाउ मेरा मन नहीं करता, मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगता है. बिकॉज मेरे पास जो ब्लू हेवन वाला है, आई गॉट इट फॉर 100 रुपीज समथिंग, वो इतना अच्छा वर्क करता है. सो मैंने सुना था दैट आई मैजिक ब्यूटी ब्लेंडर्स आर रियली नाइस. सो मुझे अमेजोन पे आई मैजिक का ब्यूटी ब्लेंडर दिख गया. सो आई इमीजिएटली ग्रैब्ड इट. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर लुक्स लाइक. सो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है. दिस इज हाउ द ब्लेंडर लुक्स लाइक. वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट. इसकी शेप बहुत अच्छी है. हर से इसका जो टेक्सचर है इज वेरी नाइस एंड अभी मैंने इसको वेट नहीं किया है सो कांट रियली से हाउ दिस परफॉर्म्स बट अभी ऐसे फर्स्ट इंप्रेशन में तो ये काफी अच्छा लग रहा है. ऑल्सो द प्राइस ऑफ दिस वॉज वेरी अफोर्डेबल. दिस वॉज ओनली फॉर 299 रुपीज. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अ रीस्टॉक. सो आई रीस्टॉक्ड ऑन दिस स्विस ब्यूटी आई लैशेज. सो मैंने पहले भी स्विस ब्यूटी के आई लैशेज यूज करी, मुझे काफी अच्छी लगी बिकॉज नेचुरल है, बैंड इनका पतला है और अच्छी बात यह कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और अमेजोन पे ना ये बहुत बार सेल पे भी रहती है. तो 100 रुपीज आई थिंक इसका प्राइस है और ये 80 रुपीज की दोनों मुझे मिली. दिस कैट आई वन जिसमें ना बहुत अच्छी सी कैट आई शेप बनी है, बहुत ही पतले पतले से लैशेज है, बहुत ज्यादा ऐसे हैवी फेक टाइप के नहीं है. एंड आई ऑल्सो गॉट अ वेरी वेरी नेचुरल वन विच इज दिस कोको. सो ये बहुत ही नेचुरल सी लैशेज है, आई थिंक आईज के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी. सो अगर आपको अफोर्डेबल लैशेज चाहिए और अच्छी क्वालिटी की, यू कैन definitely try Swiss Beauty eyelashes. the next thing and the last thing that I got is this Faces Canada magnetized eyeliner. so ये भी मैंने restock किया है. this is one of my most favorite eyeliners because एक तो इसकी tip बहुत अच्छी है और ये बहुत affordable है. इसका MRP guys 249 रुपीज है but ये on sale था, पड़ा I think 160 या 170 रुपीज का. this is how it looks like. मुझे सबसे अच्छी चीज इसकी जो लगती है is the tip. इसकी tip guys बहुत अच्छी ना और बहुत ही पतली tip है. so बहुत ही अच्छा precise
कैट आई इससे बन जाता है और पतला आई लाइनर इससे बन जाता है। प्लस ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, जल्दी इजिली स्मज भी नहीं होता है। गाइज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड अपने लिप्स देख लेते हैं कुछ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो गाइज मुझे तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन क्या आपको कोई डिफरेंस पता चल रहा है। मुझे आई डोंट नो, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है डिफरेंस एंड मुझे बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन नहीं हुई इसको लगाने के बाद, एकदम नहीं हुई मुझे बर्निंग सेंसेशन। मैंने टू फेस का लिप इंजेक्शन लिप प्लम्पर ट्राई किया है और उसको लगाने के 2-3 सेकेंड्स बाद ही बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, बट इसको लगाने के बाद मुझे कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हुई है। सो आई डोंट नो मैंने कुछ गलत अप्लाई किया है इसको या क्या है, बट I cannot see much of a difference. So definitely is very moisturizing, is glossy, nice. But as a lip plumper, I don't think it works that much. So guys, इसी के साथ we come to the end of the video. Video अगर आपको अच्छी लगी तो like करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. If you have any questions, any doubts, you can personally message me on Instagram या फिर आप comment section में भी पूछ सकते हैं. Also don't forget to hit the bell notification so that every time I post a video, you get notified. Take care of your family, take care of yourself. Lots of love. Bye bye.